मेरे भैया संजय जैन है, ये रोज की तरह सुबह जल्दी 5 बजे उठे दुकान खोलने गए थे। उनके ये अनाज की खरीद करते हैं, सुबह पहले सब्जियाँ लेते हैं, उनकी अनाज खरीद करते हैं, तो पैसे लेके उनके गए थे, पैसे 1 लाख के ऊपर थे लगभग। इन्होंने जैसे दुकान खोली पीछे से 2 लोग आए, उन्होंने इन पर मारपीट की और बैग लेके भाग गए। श्रीमान अधीक्षण अवंता के निर्देशन में विजिलेंस कार्रवाई की गई, जिसमें गांव छोकरवाड़ा, हिंगोटा, खानपुर, मालाहेड़ा इत्यादि गांव में 20 से अधिक बिजली चोरों को मौके पर चोरी करते पकड़ा गया एवं विजिलेंस कार्रवाई की गई। बिजली चोरी का जुर्माना 7 दिवस के अंतर्गत जमा नहीं कराने पर उक्त चोरों के खिलाफ विद्युत चोरी निरोधक थाना भरतपुर में FIR दर्ज कर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। निश्चित तौर पर जब आपस में बैठकर संगठन की चर्चा करते हैं तो मजबूती होना आवश्यक ही है एक तरह से, और ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी परिस्थितियों के अंदर संगठनात्मक गतिविधियों को गति भी देती है और जारी भी रहती है। निश्चित तौर पर इस बार जो कोटा शहर के अंदर जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता को लेकर प्रेस के लोग भी बात कर रहे हैं और सामाजिक संगठन भी बात कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर इस बार जो अभी रैंकिंग मिली है स्मार्ट सिटी के अंदर, कोटा को पहले राउंड से बाहर होना इस बात को सिद्ध कर रहा है।